राजनीति में किसका सितारा कब बुलंद होगा और कब सितारे गर्दिश में चले जाएंगे, यह कहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। पिछले दो दशक से बिहार भाजपा के प्रचख चेहरे रहे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी, बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री और वर्तमान में पटना साहिब से भाजपा के विधायक नंदकिशोर यादव, बिहार सरकार में कृषि मंत्री व नेता प्रतिपक्ष रहे और जीत का रिकॉर्ड कायम करने वाले भाजपा विधायक प्रेम कुमार पाटी, आलाकमान की तिरछी नजर के बाद प्रदेश की राजनीति में ही गुम होते नजर आ रहे हैं। लंबे वक्त तक बिहार भाजपा का चेहरा रहे सुशील मोदी संघर्ष की बदौलत बिहार में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे और साफ सुथरी छवि और अपनी प्रखरता के बल पर उन्होंने बिहार भाजपा को हर तरफ यानी कि हर एक स्तर पर मजबूत किया और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें बिहार की राजनीति से दिल्ली की राजनीति में उन्हें शिफ्ट करने के लिए राज्यसभा का उनको सदस्य भी बनाया गया। आपको बता दें कि चर्चा थी कि उन्हें देश का वित्त मंत्री बनाया जाएगा, पर दिल्ली जाते हैं सुशील मोदी वहां की राजनीति में गुम हो गए और बिहार की राजनीति में भी जो लोग उनकी बदौलत बिहार में बड़ा चेहरा बने, अब वही उनसे कन्नी काटते हुए नजर आ रहे। पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में अब बैनर पोस्टर से सुशील मोदी आउट होने लगे हैं। नंदकिशोर यादव बिहार भाजपा के सीएम मटेरियल वाले विधायक रहे और भाजपा में यादवों के सबसे कदावर नेता भी बिहार में लंबे वक्त तक पथ निर्माण मंत्री रहे। काम में कहीं कोताही नहीं, इसके बावजूद भी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव जीतने के इसके बावजूद उन्हें ना मंत्री बनाया गया और ना ही संगठन में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। गया टाउन से जीत का रिकॉर्ड बनाने वाले तथा भाजपा बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री का निर्विवाद चेहरा के रूप में जाने माने वाले पूर्व कृषि मंत्री प्रेम कुमार भी 2020 के चुनाव के बाद से वनवास का सामना कर रहे हैं। इन्हें भी मंत्री पद से हटाने के बाद न संगठन में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिली है और न ही अब पार्टी के बैनर पोस्टर में इनके लिए कोई भी जगह मिली है। अब सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव और प्रेम कुमार बिहार भाजपा के तीन ऐसे कदावर नेता रहे जिन्हें इर्द गिर्द राजनीतिक शुरू करने वाले लोग आज सत्ता के मलाई खा रहे हैं। संगठन में भी इनकी मजबूत पकड़ रही है। भाजपा को संगठन और कार्यकर्ताओं का पार्टी माना जाता है। अब अन्य पार्टी की अपेक्षा भाजपा में जो निर्णय होता है वह चौंकाने वाले नहीं होते, पर अब भाजपा बदल गई है। यहां भी अब जो निर्णय होते हैं वह चौंकाने वाले होते हैं। प्रदेश स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का पद और कद फिलहाल सबसे बड़ा है। अगर बिहार में भाजपा अकेले सत्ता का गेम खेलती है तो अब सीएम का चेहरा निर्वाद रूप से कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी ही होंगे। हालांकि प्रदेश स्तर पर कई पिछड़े और दलित समुदाय से आने वाले नेता भी सीएम मटेरियल हो सकते। फिलहाल यह रिपोर्ट में यही तक थी। ऐसे ही राजनीतिक खबरें से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे और अब दी से मुझे इजाजत। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।